क्या आप जानते हैं कि 90% बच्चे अपना पढ़ा हुआ जो है लंबे समय तक याद नहीं रख पाते? क्या आप उनमें से एक है या आपके घर में कोई बच्चा है जो लंबे समय से संघर्ष कर रहा है? वो ठीक समय पे पढ़ाई को अपना समय बिल्कुल ठीक देता है, लेकिन उसकी मार्क्स अपेक्षाकृत जो है वो कम आते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में ये नहीं बताने जा रहा कि बच्चे किस विधि से पढ़े। कुछ बच्चे बोलकर पढ़ते हैं, कुछ बच्चे लिखकर पढ़ते हैं, कोई बच्चे जो है वो सुनकर रिकॉर्डिंग को सुनकर पढ़ना पसंद करते हैं। तो जो भी पैटर्न उन्होंने अपना के रखा है उसको वो जारी रखें। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि पढ़ने से पहले ऐसे कौन से रिचुअल या कौन से मंत्र बच्चा चैंट करे जिससे उसने जो भी पढ़ा है उसको वो लंबे समय तक जो है वो याद रख पाए। नमस्कार, मैं राजेश्वर सिंह पटियाल आपका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो बाय राजेश्वर पर स्वागत करता हूँ। नवंबर का महीना जो है आधा बीत चुका है, सभी बच्चे लगभग अपना सिलेबस पूरा कर चुके हैं और वो मिड टर्म एग्जाम और बाद में फाइनल टर्म एग्जाम की तरफ पढ़ रहे हैं। बच्चों के साथ साथ बच्चों के अभिभावक भी स्ट्रेस में हैं। उन्हें लगता है कि बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें और जितना भी वो चाहते हैं अच्छे मार्क्स लाकर जो है जो भी कल किसी फील्ड को ऑप्ट करना चाहते हैं उसको ऑप्ट करने में उनको जो है सुविधा रहेगी। अब बच्चे जो है वो क्या गलती करें, अधिकांश बच्चे जो है वो रात्रि को पढ़ना पसंद करते हैं। उनको लगता है कि रात्रि को जो है सब लोग सो जाते हैं और हमें किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। किसी हद तक ये बात सच भी है क्योंकि एक्चुअल में रात को सब सो जाते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, तो बच्चे जो है वो एकाग्रचित होकर थोड़ा पढ़ पाते हैं। लेकिन अगर आंकलन करें तो इसमें लाभ कम और नुकसान ज़्यादा है। वो कैसे? एक तो बच्चा जो है वो अपनी नेचर के खिलाफ, प्रकृति हमारी जो है वो ये कहती है कि आप दिन में पढ़ेंगे, सारे काम करेंगे और रात्रि जो है वो सोने के लिए होती है। और बच्चे क्या कर रहे हैं, रात्रि को जो है वो लंबे समय तक पढ़ाई कर रहे हैं, सो नहीं रहे, तो अपना जो मूड है, अपने जो इमोशंस हैं उसको खराब कर रहे हैं। और देरी तक उठते हैं तो सनराइज से पहले उठना तो हमारे शास्त्र भी कहते हैं, वो नहीं उठते तो अपना जो ऑरा है, अपनी जो ओज है उसको वो कम कर रहे हैं। तो ऐसे बच्चे कुछ पर्टिकुलर समय तक जो है वो शॉर्ट टर्म गोल्स तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन लाइफ में जब कहीं वो सेटल हो जाते हैं तो अपनी बात को रख नहीं पाते, उनका पर्सनैलिटी इतना अच्छा नहीं होता, वो लोगों से मिक्सअप नहीं होते, ठीक है। तो वो जितना लाइफ में ग्रो कर सकते थे उतना वो कर नहीं पाते, क्यों? ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होता। ऐसे बच्चों को पेरेंट्स अगर पूछते कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपके बच्चे क्या करें, पढ़ाई करें, तो किसी से मिलते जुलते रहे, मार्क्स तो उनके 90-95% आते हैं, लेकिन चूंकि किसी से मिलते जुलते नहीं, ओवरऑल उनका ग्रोथ नहीं होता, तो वो लाइफ में जितना उनके माता पिता अपेक्षा करते हैं, जब वो खुद चाहते हैं उतना वो लाइफ में आगे जा नहीं पाते। रीजन कि उन्होंने अपने दो ल्यूमिनस प्लैनेट सन और मून दोनों को खराब कर लिया। और दूसरी बात यह है कि रात को पढ़ने से क्या होता है, आप देखिए कि सब लोग सो रहे होते हैं, एक पॉजिटिव तो ठीक है, लेकिन दूसरा इसमें बिग नेगेटिव ये है कि उस वक्त आप देखें कि तमस जो है, क्योंकि सब लोग सो रहे हैं, ठीक है, तो तमस हावी होते हैं। आपके मन में क्या विचार आता है कि सब सो रहे हैं और मैं ठंड में पढ़ाई कर रहा हूँ। अब इसको समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप मूवी देखने के लिए जाते हैं, ठीक है, आप मानकर चले कि आप बहुत स्ट्रेस में हैं, वहाँ पर 100-200-300 लोग होंगे, बच्चा बूढ़ा जवान बिजनेसमैन सैलरीड सब तरह के लोग होंगे, सभी क्या करते हैं, सारा ध्यान 2-2.5 घंटे जो है वो मूवी पर फोकस करते हैं, मोबाइल भी उन्होंने साइलेंट रखे होते हैं, अगर आपको कोई कहे या ना कहे आप भी चुपचाप और मोबाइल जो है वो साइलेंट पर लगा लेते हैं, क्यों, आप धारा के साथ वहाँ बह जाते हैं, आप डिस्टर्ब हैं, किसी दोस्त ने आपको अपनी पार्टी में बुलाया, वहाँ पे सब डांस कर रहे हैं, आपका भी मन हुआ आप भी डांस कर लिए, जबकि आपका मन तो दुखी है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप हम सब जो है वो एनवायरमेंट के साथ उसकी धारा में बह जाते हैं। अब यही चीज़ जब रात्रि को बच्चा पढ़ता है, सब सो रहे हैं और बच्चे के मन में भाव क्या है, सब सो रहे हैं, मैं अच्छा अभी इसको पढ़ लेता हूँ फिर सोता हूँ, उसके मन में ये अंतर्द्वंद रहता है। तो कायदे से अगर समझें, अगर वो आंकलन करें तो जितना वो पढ़ना चाहता था उतना वो रात्रि को पढ़ नहीं पाता है। वो सिर्फ कह सकते हो कि एक तरह से एक मृग तृष्णा है कि रात को बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है, तो मैंने 3 घंटे पढ़ा, मैंने 4 घंटे पढ़ा। अगर वो दिन में पढ़ना शुरू करे तो शायद 4 घंटे की जगह वो 2 घंटे पढ़े और उसको जो मेमोरी है उसमें उसका काफ़ी वृद्धि हो, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है कि सत्वगुण जो है वो एक्टिव होता है, रात में तमोगुण एक्टिव होता है, तो जब सत्वगुण एक्टिव होता है तो हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बच्चों का बढ़ जाता है, उस वक्त का पढ़ा हुआ लंबे समय तक आपको याद रहता है। आप पढ़ाई शाम को भी कर सकते हैं, शाम को आपने जो मॉर्निंग में पढ़ा होता है उसको रिकॉल करना है, हमारे जो नेचुरोपैथी में भी बताते हैं बॉडी क्लॉक होता है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको जो है वो रात्रि को या शाम के टाइम 8-9 बजे जो है आपने वो सब्जेक्ट को पढ़ना है जिसको आपने दिन में पढ़ा था, उसको रिकॉल करिए, उसके लिए किताबें खोलने की जो अपने मन में आप रिकॉल करें, वो सबसे बेहतर विधि है। और दिन में आपने जो है जो फ्रेश है, जो आपके सब्जेक्ट टफ है, उसको आपने दिन में मॉर्निंग में पढ़ना है, आप 5-6 बजे का टाइम ले सकते हैं। आपने क्या करना है, जब आप सुबह उठ जाते हैं 5-6 के बीच में आप समय कोई भी तय करें, कोई रिचुअल नहीं कि आपने एक फिक्स टाइम पर उठना है, उठे तो बहुत अच्छा, आप एक जगह तय करें, आपने हाथ मुंह धोना है, अगर आपके पास स्टडी टेबल नहीं है तो आप कंबल भी बिछा सकते हैं, दिशा की अगर बात करें तो पूर्व या उत्तर दिशा होनी चाहिए, अगर नहीं कर पाते उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात है, अगर कर सके तो अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं। और आप सरस्वती माता की फोटो रखें, आप संकल्प करके जो है
5-7 मिनट प्रार्थना करें कि मैं जो पढ़ने जा रहा हूँ मुझे वो याद रहे और अच्छे से समझ आए, ताकि मैं अपनी परीक्षा में जो है अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण कर सकूँ, अपनी परीक्षा को अच्छे नंबरों से पास कर सकूँ। एक और मंत्र है जो हम अपने कुल देवता के लिए करते हैं, श्री कुल देवता नमः, उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसको भी करें, क्योंकि हमारी सबसे अधिक जो मदद कर सकता है और बहुत जल्दी मदद कर सकता है वो हमारे जो है वो कुल देवता ही है। उनका भी आपका 5-10 मिनट इसमें आपने लगाना है, और अपने जो स्टडी टेबल पे आप थोड़ा सा कुछ भी फ्रेगनेंस के लिए आप किसी सेज को या किसी अगरबत्ती को आप साथ में जला सकते हैं, उसके बाद आप पढ़ना शुरू करें। कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आप उसका कंपेरिजन कर सकते हैं, जो आपने दोपहर को या शाम को पढ़ा है उसके अपेक्षा जो सुबह का पढ़ा है वो आपको लंबे समय तक याद है। आप सब इस जो मैंने आपको विधि बताई है इसको आप अपनाएं, और आपको कैसे रिजल्ट मिले हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मेरे ऐसे ही अगर और वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।